वन विभाग ने वन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अक्टूबर एवं नवंबर माह में किया था। इस प्रतियोगिता में रेंज स्तर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। वन विभाग अधिकारियों ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को वन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को वन अनन्यपाल कार्यालय के सभागार में स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के जमा 2 कॉमर्स के छात्र विकास ने पहला स्थान हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय हमीरपुर की क्षितिजा ने दूसरा और तीसरे स्थान पर, इसी स्कूल की अंजलि ठाकुर रही। अन्य प्रतिभागियों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैड़ की नेहा डोगरा, मैड़ विद्यालय के ही प्रवीण शुक्ला, राजकीय विद्यालय वर्ष की आकृति शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी की लक्ष्मी देवी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैड़ के ऋतिक शर्मा तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की राधिका शर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर वन अनन्यपाल अरुण जोशी ने विद्यार्थियों की सराहना की। इस अवसर पर जिला विभाग की DFO प्रीति भंडारी एवं विभिन्न स्थानों के रेंज अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। हमने वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के तहत जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने बच्चों को जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं बच्चों को जो है इसमें कंपटीशन में ड्राइंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में उनको इन्वॉल्व किया था और वहीं पर ही जाके उनके स्कूल्स में कंपटीशन करवाया था और हमने पिछले हफ्ते इसकी इवेल्यूएशन करवाई। हमारी एक टीम यहाँ पर वन विभाग की और जो ड्राइंग टीचर्स हैं नियरबाय स्कूल्स के उनको हमने इन्वॉल्व किया था और जो बेस्ट सेंट्रीज हैं आज उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने उसको प्रोग्राम रखा था और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए उनको प्राइज दिया गया और इसके अलावा कंसोलेशन प्राइजेस के तौर पे ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा इसमें ड्राइंग्स कर रखी थी और ऑलमोस्ट सेज में थे उनको भी हमने इसमें इस आज के इस प्रोग्राम में उनको अप्रिसिएट किया। टोटल हमारे यहाँ पर 5 रेंजेज है। हर रेंजेज में जो हायर लेवल के स्कूल्स थे हमने उन्हीं को इन्वॉल्व किया इस पूरी प्रक्रिया में। वो स्कूलों के माध्यम से हमने बेस्ट एंट्री जो है ये पिकअप की है आज के इस फंक्शन के लिए। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन जो था वो कराया था और बड़ी खुशी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हमने बच्चों द्वारा बनाए गए उन पेंटिंग्स को देखा तो हम भी उस चीज को एक्सप्रेस करने में हमें बड़ा वक्त लगा उस चीज को समझने में कि वाकई में बच्चे जो है किस लेवल तक सोच रख रहे हैं। उनको इशू के बारे में मालूम है, वो जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कई बच्चों ने हमें अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से ही इस सोल्यूशन को बताने की कोशिश की। तो ये जो कंपटीशन था ये हमने रिस्ट्रिक्ट रखा था क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने शॉर्ट टर्म में प्लान किया था। हमने इसको जितने भी हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल्स हैं उन तक हमने सीमित रखा था। जो भी हमारे रेंज हेडक्वार्टर्स के स्कूल मौजूद हैं वहां पे ये फंक्शन कंपटीशन जो था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था एंड जितने भी यहाँ पे टीचर्स आए हैं इसके साथ साथ वो सभी स्कूल्स जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना पूरा हमें सपोर्ट दिया और हमारे इस वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन को सफल बनाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया।